गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मॉर्निंग से कोई भी ब्लॉग नहीं किया है क्योंकि आज बहुत सारा काम था, क्योंकि आज सैटरडे है। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग मेरा बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सभी बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। तो आज मैंने मॉर्निंग से क्यों नहीं ब्लॉग किया, क्योंकि आज स्कूल जाना था बेटी का कॉपी किताब लेके। उसके बाद घर में सैटरडे आया तो घर का क्लीन करना था, तो वो किया। घर के जो भी क्लीनिंग था वो मेरा आज पूरा हो गया, क्योंकि कल संडे है। तो इसलिए मैं आज इवनिंग से सोच रही हूँ कि कुछ इवनिंग में जो मैं कुछ आज सोच रही बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि कुछ बनाती हूँ तो चलो वो ही शेयर कर देती हूँ। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते इवनिंग का स्नैक्स। और सभी को एक बात और बताना चाहूँगी कि सब लोग अगर मेरा फ्रेंड बन रहे हो तो प्लीज़ हाथ मत छोड़ना, क्योंकि बहुत अगर छोड़ देते हो ना तो एक अगर चार आता है तो एक छूट जाता है, कभी तो पांचों का पांचों छूट जाता है। समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और अगर मैं किस चीज़ से बोल रही हूँ जो समझ ही गए होंगे, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये तो काफ़ी दिन से हो रहा है मेरा, मैं कभी नहीं बोल रही थी, पर आज थोड़ा सा दुखी होकर बोल रही हूँ। क्योंकि एक दिन में 5 सब्सक्राइबर घट जाना, इतना घट जाना मेरे लिए तो हमारे जैसे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो किसी के साथ भी ऐसा होना नहीं चाहिए ना। तो चलिए देरी ना करते दिखाती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। तो उसके लिए मैंने ब्रेड ले लिया छोटे वाले साइज़ का, जो मेरे थे वही मैंने ले लिए, और उसको मैंने काट भी लिया। तो और मैंने आलू बॉयल कर लिया है चावल में, तो थोड़ा बहुत चावल लगा हुआ है, कोई बात नहीं चल जाएगा। इसके लिए मैंने ये मसाला ले लिया, गरम मसाला और मिर्च पाउडर, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। और इसके लिए मैंने पहले से ही बेसन घोल के रखा, क्योंकि अगर पहले से बेसन घोल के नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। तो मैं इस आलू को मिक्स करूँगी, उसके बाद मसाला डालूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आलू में ना अच्छी तरह उसको उसको मिलाऊँगी, जैसे थोड़ा सा साबुत रहे थोड़ा सा मिला रहे, तो उस तरह से मिला के उसके बाद मैं थोड़ा सा ना रख दिया कि ज़्यादा हो जा रहा है, देखा तो मैंने कहा चलो रख दूँ। तो अब मैं इसमें मसाला डाल दे रही हूँ, गरम मसाला और थोड़ा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक बस। अभी धनिया पत्ता तक कुछ है नहीं, तो सिंपल से बना रही हूँ कि खाने को मन कर रहा है तो बना लिया। और क्योंकि थोड़ा सा कभी मन कर जाता है ना चाय शाम के टाइम में, तो ऐसा चीज़ बनाती हूँ कि बच्चे भी खा ले मैं भी खा लूँ, तो इसलिए ये बना रही हूँ। तो ऐसे फोल्ड करके इसमें सूखा सूखा आलू होना चाहिए, और ऐसे डाल के और उसको आप दूसरा पीस डाल के डाल दो, थोड़ा सा ऐसे दबा दो, दब जाएगा, उसके बाद बेसन में डाल दो तो हो जाएंगे। तो मैं चार बना रही हूँ, चार पीस, तीन जने हम घर पे हैं तो चार पीस बना रही हूँ, तो हो जाएगा चार पीस में ही। और इसको इसके अंदर बहुत सारे चीज़ डाल सकते हैं, फिर बाद में एक दिन इसका स्पेशल करके बनाऊंगी। आज तो ऐसे ही नॉर्मल सी बना दिया, तो यही और छोटे वाले ब्रेड थे तो छोटे वाले ब्रेड में ही मैंने कहा इसी से ही बनाते हैं। बड़े वाले ब्रेड हैं लाती हूँ, छोटे वाले में लेके आई थी मैं बीच में, तो मैंने कहा चलो आज छोटे वाले से ही बनाते हैं, खाना ही तो है, तो बना लिया मैंने। तो मैंने ऐसे इसको अंदर करके रख दिया, तो जैसे इस तरह से भर के रखा। अब मैं ये बेसन में और बेसन को इस तरह से जैसे पकोड़े की तरह से ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ये इस तरह से रखना है। तो मेरा बेसन भी रेडी है, अब मैं दिखाती हूँ इसको किस तरह से डालना है। और मैं ऐसे डाल दूंगी, ऐसे बेसन में दोनों तरफ से डुबा के और उसमें डाल दूंगी। कभी ऐसा होता है ना, एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है तो दूसरा नहीं दिखा पा रही हूँ,
तो फिर मतलब दिक्कत हो रहा था क्योंकि बेसन का हाथ है कहीं लग जाए। तो फिर मैंने बेटी को बुला के लाई, मैंने कहा थोड़ा सा आप पकड़ो, तो उसने फिर आके पकड़ा। तो मैंने कहा चलो अब मैं बना लेती हूँ, तो वही मैंने कहा चलो तो अब बेटी आई है, तो वही बेटी पकड़ी तो मैंने बना लिया फटाफट से। तो ये इस तरह से, और अगर जैसे ना थोड़ा सा बेसन इधर उधर गिरी जाता है, और मैं इसको टिशू में इसलिए निकालती हूँ क्योंकि तेल रहेगा तो टिशू में लग जाएंगे, और गैस को तेज करके निकालती हूँ कि सारा तेल निकल जाए। तो एक दो लाल बनाऊंगी और दो सही सा, क्योंकि मुझे और बेटी को थोड़ा सा लाल पसंद है तो इसलिए हमने लाल बनाया। और ये बन गए हैं ब्रेड पकौड़ा, तो इस तरह से, और सॉस, और मैं बना रही चाय, और इस तरह से खा लेंगे। और पकोड़े बना लिया, चाय बन रहे हैं, और खुशी हो रही है, बारिश हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं, होने जाएंगे शायद, देखते हैं। पूरा काला हो गया है, अगर आ जाए तो अच्छी बात, पकोड़े के साथ साथ बारिश भी, तो देखती हूँ अगर बारिश होगा तो थोड़ा बहुत वेट करूँगी, दिखाऊंगी आप सबको कि हाँ बारिश हो रहे हैं। सबका सुनती हूँ बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, पर हमारा यहाँ बारिश नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा चलो आज अगर बारिश हुआ तो मैं भी दिखाऊंगी, हमारे यहाँ भी बारिश हो रहा है, तो थोड़ी देर वेट करती हूँ, देखती हूँ, ठीक है। और आज इतना कपड़ा धोई हूँ, क्योंकि सारे बेड शीट वगैरह सोफ़ा कवर अवर सब धो दिया। तो अभी दिखाती हूँ बाहर का मौसम, और अभी देखो मौसम कितना अंधेरा हो रखा है। अभी 5:30 बज रहे होंगे, इस समय तो धूप होता है पर बहुत ज़्यादा काला हो गया है, अंधेरा सा हो रखा है, एकदम अंधेरा एकदम, और देख सकते कितना ज़्यादा काला हो गया है। तो अब मैंने कहा चलो, और अभी एकदम हमने चाय पीते पीते बारिश भी शुरू हो गया, और बहुत तेज़ बारिश दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो झंडा दिखाई दे रहा है ये मेरे ननद का हाई है, तो घर, तो ये इतनी बारिश हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है बारिश हो रहा है, पर इतनी बारिश के साथ हवा के ऐसे लग रहा है कि मतलब धब धब आवाज़ हो रहा है बारिश का, इतनी बारिश की आवाज़। तो चलिए बारिश का मज़ा तो ले लिया, बारिश हो गई, खुशी हो गई बहुत, और बारिश हो गई, बहुत अच्छी लग रही, बहुत मतलब एक दफ़ा बहुत अच्छा बारिश हो गया है, दिल को तसल्ली मिल गई, थोड़ा सा ठंडक मिल गई, और खुशियाँ हो, खुश हो गए सब लोग, खुश हो गए क्योंकि थोड़ा बारिश की हमें बहुत ज़रूरत थी। थोड़ा बारिश हुई तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी जुलाई के महीने में, बहुत गर्मी लग रही है अभी, और बारिश तो अभी हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुश। मैं तो नहाई नहीं, बेटी नहाई छत पे जाके, तो मैंने सोचा छोटा सा मेरा ब्लॉग आज शेयर कर दिया। तो मैंने पकोड़े बनाए थे, वो पकोड़े कैसे लगे ज़रूर बताना, और उस पकोड़े के साथ चाय मैंने पिए, और बेटा ने और बेटी ने सॉस के साथ। तो मुझे तो ये वाला पकोड़े मैं किसी और दिन दिखाऊंगी अच्छा से, आज तो जो मतलब जैसे था मैंने बनाया, किसी और दिन मैं इसका अच्छा से दिखाऊंगी, जैसे हमारे दिल्ली में बाज़ार में बिकता है उस तरह से दिखाऊंगी। तो चलिए अच्छा लगा, कभी आप भी ऐसे ट्राई करना घर पे, बताना मुझे कैसे लगता है। और इस ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, गुड इवनिंग।